काहे ना समझेलुआ कि हमनी के खुददारी हमनी के ताकत बा और केहू हमनी के खुददारी पे उंगली उठावे, केहू हमार बच्ची के खुददारी पे उंगली उठाए, ये हम सह ना सके। हम दोबारा जाके शरण के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे तो माँ के दिल टूट जाये। अगर वो हमनी के कोनो बात कहले पड़ी तो हमार अच्छा खातिर कहले हुई। वैसे भी इतना सालन के बाद तो माँ के प्यार मिलल बा, ममता के छाव से बढ़ के हमरा खातिर कुछ भी ना बा इस दुनिया में। दुश्मन 100% हमार कोनो न कोनो दुश्मनी हुई। हमार बंदूक कहाँ, नाइफ? रिलैक्स पृथ्वी, बब्बर शेर, तुहार सारा दुश्मन खुद ही हो गए ढेर। फिर ई वक्त इस शेर के डिस्टर्ब करे क्या आ गए? का बात है, बेखुदी हमार दरवाजा पर दस्तखत दे रहा, दिखते नशा हो गई है। जे खबर हम तरह सुनावे जाता नहीं, वो सुन के तो हर होश उड़ जाई है। का बात कर रहा हो, तो बताओ जल्दी। तो सुना, आज के सबसे ताजा खबर, ये करण और प्रीता पड़े ना, हाँ? जे हमनी के लाइफ के सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहले, हमेशा हमनी के पीछे हाथ धोके पड़ल रहले। वो चाहे ले कि हम ऋषभ के जिंदगी से हमेशा हमेशा खातिर दूर हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ही ना। तेरा पता बा काहे? काहे? काहे कि उनकर खुद के खुशी में ग्रहण लगेल बा। का बात कर रहा लो, तू तो बहुत खुश लग रहा लो, लागा तक कोनो धमाके तार खबर लाए लो। यस, जल्दी बताओ। यस, जे प्रीता नाम की प्रॉब्लम बा ना, वो हमनी के लाइफ से हमेशा हमेशा खातिर आउट। वो कैसे? अरे करीना हमरा के बतेली कि वो लोगन प्रीता से कह देली कि वो लूथरा मैंशन कब वो वापस ना आए। अरे बीबी, ये सिर्फ कहे के बात है, तू देखिए बस 2-3 दिन के बाद ओकरा बाद प्रीता फेनू से लुथराज हाउस में, पता काहे? काहे? काहे के लुथराज हाउस के सारा लोग, परिवार के सारा लोग करीना बुढ़िया के छोड़ के प्रीता के पसंद करेली, वो भी बहुत ज्यादा। ऐसा बिल्कुल ना हुई। अरे करीना ना राखी भी प्रीता के कदेले बड़ी कि जब तक हमार और ऋषभ के शादी ना होके तब तक वो लूथरा मेंशन ना आवे। और तो और उस अरला अरोड़ा भी प्रीता से कह देली कि दादी खातिर 200 डॉक्टर ढूंढा। और तेरा पता बा बीबी सबसे अच्छा चीज का बा? का? तहरा प्रीता से शादी करे के जरूरत नहीं खे। काहे? अरे देखा, तू प्रीता से शादी काहे करत रहला, ऐसे ना कि वो हमार और ऋषभ के बीच में ना आवे। अब जब वो लूथरा मेंशन आई ही ना, तो वो हमने के रिश्ता के बीच में कैसे आई? तो काहे बेफालतू के रिश्ता में रहल और ये सब झंझट पालन? तू जल्दी से जा और ये रिश्ता तोड़ दे। ओकर बाद यू गोना बी लाइक अ फ्री बर्थ। अरे प्रीता के चैप्टर हमने के लाइफ से हमेशा हमेशा खातिर ओवर। बेचारी प्रीता। मतलब कुछ हो ना, हमार मतलब यह है कि देखा ना बेबी, तू हो जानत हो कि प्रीता ना लूथरा परिवार वाला के खातिर का कुछ ना केलस ना, और लूथरा परिवार वाला का केलस ओकरा साथ, आपन बात के हंटर से ओकरा घर से बाहर निकाल देलस। अब जब घर जाए तो ओकर माँ से भी परी ओकरा, और बाप तो ऑलरेडी मर चुकल है। आई मीन दिस इज नॉट फेयर। करण के माँ राखी भी ओकरा साथ सारा रिश्ता तोड़ देलस, कितना ट्रॉमेटाइज हो गेल, कितना स्ट्रेस हुई। ऐसा सिचुएशन में अगर हम एगो और बम फोड़ब तो जाके कहब कि प्रीता हमारे रिश्ता तोरा से खत्म, ओकरा साथ रिश्ता तोड़ब तो बिखर जाए, टूट जाए। तू पागल हो गेल बड़ा का? का प्रीता प्रीता लगा के रख ले बड़ा? अरे हमनी ऋषभ से बदला लेवे चाहे नहीं, दूसरा फैमिली के बर्बाद करे चाहे नहीं, और तू प्रीता पे अटकल बड़ा? एक मिनट, कहीं तू प्रीता से प्यार तो ना करे लगेला? का बोल रहा लो तू? हम ना ऐसा कुछ ना, हम ना प्यार करी ले प्रीता से। अच्छा, फिर नजर का है चुराव बड़ा? आर यू इंटरेस्टेड इन हर? नो बेबी, कैसन बात कर रहा हूँ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। तेरा पता बना, जब तू झूठ बोलेला तो हर पलक झपकेला। अरे बेबी, आई ऐसा कुछ ना, हम प्रीता में ना ही इंटरेस्टेड है और ना ही वो हमके पसंद है। ओके, फिर से अपन नजर चुराव दौड़ा। आई
लव यू ओके नॉट प्रीता। फाइन तो एक काम करा अभी के अभी अरोड़ा हाउस जा और प्रीता से अपन रिश्ता तोड़ दा समझ ला तू। तोड़ दे इतना जल्दी कहा सही वक्त आए पर तोड़ दे ओके अभी अगर तू अभी के अभी ना गेला ना तो हम आपन वादा भूल जाई हम ऋषभ से शादी ना करब और ना ही जे तोहर सुपर डुपर प्लान बा ना ओमे तोहर मदद करब समझ ला तू। आर यू मैड ये सब करे के कोनो जरूरत नहीं तू हमरा से एक बार कहला ना कि जाके रिश्ता तोड़ दे हम जाके रिश्ता तोड़ दे ओके अभी। अरे कल परसों तरसों चारन अभी कुछ जा। अरे चल जब तोड़ दे इतना भी जल्दी कहा अभी ओके फाइन जा रहा है। का हो गई चेंज करके जाते हैं प्रीता जी अब हमने के घर में कम ना आई है ना वो भी खाली तहार झूठ कहानी के वजह से का चल रहा तारा दिमाग में काहे बोले ला तू झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ काहे बोले ला तू करण वो जोर कुछ भी होत रहे वो मैं तू बराबर के जिम्मेदार रहला तो फिर सारा बुराई खाली प्रीता जी के हिस्सा का है तू हमरा के बतावा ये कहां के इंसाफ है कि सारा अपमान उनका सर पे सारा इल्जाम उनका सर पे काहे हेलो आप हेलो करण आई एम सॉरी काहे वो सरला आंटी एल्डरली और उनके वो बब हम हमके पता बब प्रीता हम का करती यार आई मीन हमरा सामने अपनन के साथे तारा साथे इतना गलत होत रहे और हम चुपचाप कैसे बैठ सकत रहनी यार आई मीन हमार का गलती बा हम तो तू सबके अच्छा चाहत रहनी ना यार तू जाने लो हम चीटिंग बर्दाश्त ना कर सकेली तो हम जोन कुछ भी कहनी हमनी सबके अच्छाई खातिर कहनी यार वैसे सरला आंटी कहत रहनी कि तू आज के बाद घरे ना आईबू बोला ना यार तू साचो में घरे ना आईबू हमार मतलब हमार पर्सनल बात अलग बा लेकिन प्रोफेशनल यू आर अ डॉक्टर दादी की तहार जरूरत बा। हाँ तो ठीक कहला हम एगो डॉक्टर बानी लेकिन करण उससे पहले हम एगो बेटी हैं और हम अपन माँ के बात टाल नहीं सके नी इस जिंदगी उनकर ही दिहल बा और ए पर सबसे पहला अधिकार उनकर ही बा हम अब वो घर में वापस नहीं खे जाए। हाँ यू शो हमार मतलब है कि तहार जॉब यू आर अ डॉक्टर अब बात इतना सिंपल बिल्कुल ना रहल पा सब कुछ बहुत ही उलझ गेल पा गलती हमारी तब आप रहे तो जॉब ही प्रोफेशन रहे हम ही पर्सनल बना देने सोचने की अपन परिवार बाप लेकिन बात सिर्फ इतना सा बाप कि अब हम वो घर में नेखे आए करण Please don't do this. Please करन, तू ऐसन मत करा। काहे ऐसन कहरल बड़ा? काहे ऐसन कहरल बा? का तो के पता ना बा कि इस सिचुएशन कैसन बा? का हमनी कबो चाहत रहने की हालात ऐसन हो जाए? कबो ना ना? अब का करी? हो सकेला किस्मत में यह लिखल होखे? छोड़ा, सब नसीब के लिखल होखेला अब forget it. तो के पता बा अब हम आज को जॉब इंटरव्यू खातिर आए हैं। व्हाट कहां प्रीता यार हालात हमेशा ऐसे ना रही हम सब कुछ चेंज कर दे आई मीन हम सब कुछ ठीक कर दे तू ये दूसरा जॉब काहे ढूंढता रहूं हम बारी ना हम सब कुछ ठीक कर दे ना तू कुछ भी ना करबा प्लीज करण तू कुछ मत करबा कहे कि हम अब वो घर में नहीं खे आए और बात एटीट्यूड के ना बाप आत्मसम्मान के बा
और प्लीज तू इतना परेशान मत होगा। अब तू इतना परेशान हो जाए बता। हम वो परेशान हो जाए ना, रिलैक्स ओके। हमार खातिर फाइन, हम शांत रह। हम बिल्कुल कुछ ना बोला, हम मिस्टर कूल बन के रहा। अब खुश। सॉरी, हम क्या ही बतावा तू इंटरव्यू देवे कहाँ गिल बड़ू। आई मीन हम रिकमेंड कर अब तरह के ना करन। हमके क्यों के सिफारिश है जॉब नेखे चाहिए। प्रीता अरोड़ा। हाँ भाई। आपके अंदर बुलाई गई बा। ओके आवा थे। हेलो करन, वो हमके अंदर बुला रहा है, हमके जाए के पड़ी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लिसन। या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैचेस आल्सो। हेलो। बेस्ट ऑफ लक, हमारे तो कोई मैच ही नहीं किया। ऐसे बात करता रही जैसे दोबारा बात ही ना करी हमरा से, कब वो मिली ही ना हमरा के। ऐसा थोड़ा ना होके ला यार, आई मीन हम ऐसा होके ही ना दे, बिल्कुल ना समझे ली का अपना आपके। हम प्रॉमिस करता नहीं प्रीता अरोड़ा, तरह पे जितना भी इल्जाम लगल बना सब हटा के रहा, तहार खोइल इज्जत वापस दिला के रहा हम तोरा के घर में। आई प्रॉमिस। ओ, तब करण लोथरा के दादी के फ्यूजियो रहनी जी। फिर का भइल, आप छोड़ का ही देनी। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। आई होप आप जानत हो कि आईसीबी एगो बहुत बड़ा नाम बा, और यहाँ पर क्रिकेटर्स के अक्सर मैच के प्रैक्टिस के वक्त चोट लग जाला। यहाँ आपके कबो कोनो भी वक्त जरूरत पड़ सकेला। आप बिल्कुल टेंशन मत ली, हम पहले भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस काफी बार हैंडल केले बानी। मिस प्रीता, हमने के चाहत बानी की कोनो गलत फहमी रहे आपस में, एक खातिर सीधा सवाल के जवाब दी। सुबह हमके एगो सीनियर फिजियो के कॉल आयल, वो हमके बतेलस कि उनका असिस्टेंट के जरूरत बा। तब अपन डेटा चेक कैनी, ओमे हमके आपको रिज्यूम मिलल। राइट, एक्चुअली हम इस जॉब के खातिर पहले भी अप्लाई कर चुकल बानी। जब हम मुंबई में नया नया आयल रहनी तब सब कुछ नया नया रहे, तब काफी जगह जॉब के खातिर अप्लाई कर ले रहा नहीं, मे बी दैट्स वाई। तब बात कुछ और रहे, अब बात कुछ और बा। तब आपके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस रहे, लेकिन अब काफी अच्छा एक्सपीरियंस बा। ओ एक्चुअली ई पोस्ट जूनियर्स खातिर बा, और हमके लागत बा कि आप काफी सीनियर बानी ई पोस्ट के खातिर। अरे भाई, तो बहुत अच्छा बात बा कि रिजल्ट इतना अच्छा आयल बा बच्चन के। कप्पू, हम का कहत रहनी कि तरह जब जरूरत पड़ल रहे वो पैसा ले गल रहला ना हमरा से, अगर हो सके तो, मतलब अगर तू दे सके तो वो पैसा वापस दे सकेला। तरह तो पता ही बाना कि जानकी की तबीयत कितना दिन से खराब बा, इलाज में थोड़ा ज्यादा ही पैसा लगेल, और बरसात के दिन में शादी के मुहूर्त भी ना हो खेला, यही से हॉल से भी ज्यादा कमाई ना हो पाई। तो फिर बचल कुचल के रख ले रहनी हम, बस ओकरे से कोनो तरह से काम चलावत मानी ना। ना ऐसा परेशान होवे की जरूरत नहीं क्या, अगर ना हो सकेला तो कोनो बात ना, हम कहीं और से इंतजाम कर ले। हाँ तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ अच्छा ठीक बा, तू स्वीटी और बच्चा के प्यार दिए। हाँ अच्छा रखा तानी। अम्मा, हमें को जॉब इंटरव्यू खातिर जा रहा पानी। भगवान करे तरह ही नौकरी जरूर मिल जाए। जा जूनियर ही सही, लेकिन हमके जॉब जरूर करे के चाहिए। अरे कुछ ना होके सता, अच्छा कुछ होके अच्छा बना, कुछ पैसा आ जाए जे घर के खर्चा में काम आ जाए। एक्चुअली मैम, हम ये जॉब करे के चाहते हैं। हमके जॉब के डेजिग्नेशन का बा, इसे कोनो फर्क ना पड़ेला। काम तो काम बाप, छोटा हो या बड़ा। इनफैक्ट हमार सैलरी और हमार टाइमिंग्स आप डिसाइड कर सके नी, और हमके ओकरा से कोनो प्रॉब्लम ना होई। दैट्स गुड। हमके आपके सोच बहुत ही अच्छा लागल, इजे काम के खातिर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड बा, ये हमके बहुत ही अच्छा लागल। ता आपके जॉब पक्का बा। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर प्रीता। थैंक्स। सब गलत हो गए, सब कुछ गलत हो गए। क्या वजह से? हमरा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। हमका लागेला कि हम सब कुछ मैनेज कर ले, सब कुछ हो जाए। ये
यह खराबी बा हमरा अंदर, पता दिल और दिमाग के अंदर बैलेंस करे ना आवेला हमरा के। अरे का जरूरत रहे मतलब, अरे ऋषभ के कॉन्फिडेंस में ले सकत रहनी ना, चलनी जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले तो हम ओकरा हॉस्पिटल लेके जा सकत रहनी। मॉम इतना अच्छा बाड़ी, उनके बता सकत रहनी सब कुछ। सब लोग हॉस्पिटल एक साथ जतन शालिन के एक साथ घर लेते, वहीं की वहीं किस्सा खत्म। लेकिन ना झूठा कहानी बनावे के बाद ही करण लूथरा के समझ में ना आवेला यार। प्रीता हमेशा हमके मना करेली, हमेशा मना करेली कि झूठ मत बोला। लेकिन ना हर सिचुएशन से बचे खातिर करण लूथरा के झूठा कहानी बनावे के बाद बता बा कि सच बाद में वापस आ जाई। लेकिन नो नो ना, झूठ हम बोलनी, लेकिन सजा प्रीता के भुगते के पड़न। आई मीन हमार मिशन फेल के वजह से दो जिंदगी खराब हो जाई, ऋषभ के शादी उस शालिन से और ना प्रीता के शादी पृथ्वी से। शालिन और पृथ्वी, प्रीता के हालत के जिम्मेदार सिर्फ तू दोनों पड़े, तू दोनों के कोनो फर्क ना पड़ेगा कि तहरा मिशन के आगे केहू के जान जाए या केहू के इज्जत। ना हम शालिन के बख्शा बा और ना ही पृथ्वी के, कहे कि हमके पूरा यकीन बा कि ये सब के पीछे पृथ्वी भी इन्वॉल्व बा। पृथ्वी भी इन्वॉल्व बा, इन्वॉल्व बा, इन्वॉल्व बा, इन्वॉल्व बा। हमके हमार दोस्ती के कसम, प्रीता के खोइल इज्जत हम वापस दिला के रहब, ओकरा इज्जत के साथ ही घर में वापस ला के रहब हम। अरे दरवाजा ऑलरेडी खुलल बा यार, दिखात नहीं के। हाय, तू ये सोचत होबू कि दरवाजा खुलल है तो हम बिल काहे बचेली, राइट? वो कहन असिस्टेंट ला जौन जगह इतना पवित्र लोग रहत होके वो जगह कोनो मंदिर से कम थोड़ी ना होखेला। एंड हमें को बहुत मैनरफुल लड़का है, खुद के दरवाजा भी अगर खुलल हो तो बिना बेल बजे अंदर ना घुसी ले। आज ये तरफ कैसे आवे के भाई, और अगर कुछ काम रहे तो फोन पे बोल देता। एकरा देखत है तो लागेला कि हमार सलीन बेबी बिल्कुल सही है, हमके रिश्ता तोड़े के चाहिए। कैसन सिरदर्द है लेकिन यकीन न होला कि प्रीता की बहन कैसे हो सकेली। अब इतना का सोचे लगनी, ये कि रिश्ता तोड़ दी। वाह, बाद में मुकरते ना जेबा, वादा करो कि रिश्ता तोड़ देबा। एक शर्त पर। का? अगर तू हमके बतेबा कि तू हमके पसंद काहे ना करे लो। हम सच बताएं? कहे कि हमरा के तू एगो बेईमान आदमी लगेला। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। थैंक यू। चलो ठीक है, रिश्ता तोड़त है आज हम। हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। पर्दा प्रेस हो के आ गेल बा सृष्टि, कम से कम तो एक रखेला। आप यहाँ एकदम ऐसे अचानक बेटा रिश्ता तोड़े आयल बाड़े? सृष्टि के साथ? खुश रही, खुश रही। टकरार के रिश्ता, वो कहा ना आंटी जी, हमार सिस्टर इन लॉ हमके बिल्कुल पसंद ना करेले, तो हम चाहेला कि जोना तरह हम आपके पसंद है आप हमके अपना मानिला, वे तरह हमार सिस्टर इन लॉ भी हमके आपन माने और आपन जीजू कबूल करे। अब आप ही बताए ना आंटी जी, आप हमके हमके हेल्प करी, ऐसा हम का करी जेकरा से हम अपन सिस्टर इन लॉ के इम्प्रेस कर सकी और हम उनके पसंद आवे लगे। अरे ना बेटा, सृष्टि तो बहुत पसंद करे ली आपके, सच में आपके अपन जीजू माने ली। ई बेईमान जुबान पे मक्खन लगा के आवेला का, दो सेकंड में बात के पलटी कर देवेला। ई चोट कैसे लगेला आपके? ओ एक्चुअली बारिश के मौसम है ना, फर्श गीला रहे और हमार पैर स्लिप कर गया और हम गिर गयी। एनीवे आंटी जी, आप टेंशन ना ली, छोट सन मामूली सा चोट है, ठीक हो जाए। आपके संभल के चले के चाहिए बेटा। प्रीता जी कहीं नजर ना आ रहा, बानी दादी के पास गयेला का? अच्छा हम एक काम करते हैं, खुद लुथराज हाउस चल जाइले, हम पिताजी के वहीं पर मिल ले। ना ना, ओ ओ ओ लुथराज के नौकरी छोड़ दे ली। लुथराज के नौकरी छोड़ देलस? ऐसा अचानक से क्या हो गया? सब 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 ठीक था ना आंटी जी? आप
आप कुछ परेशान लग रहा है? Is everything okay? बेटा आप ही घर के होके वाला दामाद बानी, आपके सब कुछ सच सच जाने के हक बा, तो आपसे ना छुपाई। ओ शर्लिन, ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ। करीना आंटी लुथराज हाउस में पूरा परिवार के सामने प्रीता जी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगेलस और का कुछ न कहलस। हमकी तो तन को विश्वास न हो रहा ये सब हो गई। लेकिन करण आंटी जी, करण तो वहीं पर रहे ना लुथराज हाउस में जब ये सब होते रहे। करण तो प्रीता जी के अपन दोस्त बोलेला, वो दोस्ती के का भइल? आंटी जी हमारा मतलब करीना बुआ के जो बोले के रहे प्रीता जी के वो बोल देलस। लेकिन करण प्रीता जी के खातिर कुछ बोलस के ना, प्रीता जी के साइड का है ना लेलस? आंटी जी ऐसे दोस्ती का मतलब ही कहा जोन में आप हम दोस्त की मदद ही ना कर सकेला। बेटा हमने के यहाँ परवरिश ऐसे नहीं देल जाला कि बड़ा के बीच में छोटा लोग ना बोले ले। और करण तब बच्चा बा, तो कैसे बोला तू? आप सही बोल रहे आंटी जी, बच्चा है करण। पर ऋषभ जी तो बड़ बड़े ना, और वो प्रीता जी के अपन दोस्त बोले ले, वो दोस्ती के का भाई? ये दोनों भाई हमेशा बोलत रहे कि प्रीता जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर ऋषभ जी वाकई में प्रीता जी के अपन दोस्त माने ले, तो ऋषभ जी तब बोल सकत रहे ना, कुछ तो क्लैरिफाई कर सकत रहे कि प्रीता जी के साइड ले सकत रहे। ऋषभ जी कहे कुछ न कलस। आंटी जी आपकी याद है जब हमारा प्रीता जी के एंगेजमेंट होता है तो दोनों भाई मिलके हमारा और प्रीता जी के एंगेजमेंट तोड़े के चाहते रहे। वो लेकी का नाम रहे, वो लेकी के तापसी के चक्कर में वो फुल कोशिश कर ले रहे। वो ये भी कह रहे वो वक्त कि प्रीता जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा फैमिली मेंबर है। वो सब बात के काबिल आंटी जी, वो दोस्ती के काबिल। हमार खून खोले ला ये सब सोच के, दिस इज जस्ट नॉट डन। उन लोग की हिम्मत कैसे भई कि प्रीता जी की ही तरह अपमान देखे के, दिस इज नॉट डन। अब आई एम रियली सॉरी अगर हम कुछ ज्यादा बोल रहे थे, पर हम का करें आंटी जी, हम प्रीता जी की इज्जत करते, दिल से इज्जत करते। प्रीता जी हमारे मंगेतर है, सुंदर सुशील लड़की है जो बड़ के इज्जत करे ले, एंड ऐसा लड़की के साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करे ये हमारा से बर्दाश्त ना हुई। बिल्कुल सही कहनी आप पृथ्वी जी, आपको जरूरत से ज्यादा ही बोल गई। आप हमारे मामा के भड़का रहे बानी करण सर और ऋषभ जी के खिलाफ। हाँ सृष्टि, एका तरीका बात करके तू यहाँ का खड़ा बड़ू, जा अंदर जाके चाय बना। जा हमरा ना आवेला चाय बनावे तो कोशिश तो कर सकेलू ना। फाइन, एक सेकंड सृष्टि, हम जानत हैं कि तू अपन बड़ बहन प्रीता के बहुत इज्जत करेलो, बहुत प्यार करेलो। हमार भी वही हिसाब है, पिताजी हमार मंगेतर है, हम प्रीता जी से बहुत प्यार करेला और बहुत इज्जत करेला उनकर। आप हमार माँ समान है, हम आपसे भी बहुत प्यार करेला, और जकरा से बहुत प्यार करेला ओकरा खातिर हम कोनो हद तक जा सकेले। आंटी जी कोनो भी इंसान प्रीता जी के खिलाफ एक गलत शब्द हमारे सामने बोल के तो दिखाए, बख्शब ना हम ओकरा। हम चाय बना के आता नहीं। अरे सरला प्रेस वाला आयल की ना। अरे पृथ्वी तू कहाँ आयला बेटा? बस अभी तने देर पहले। नमस्ते दादी जी। जीता रहा बेटा, जीता रहा। ठीक तबाना जी? एकदम बढ़िया, आप कैसा? नहीं लूथराज के साथ रिश्ता टूटे से तो बेहतर होगा ये पृथ्वी के साथ रिश्ता टूट जा। पता ना का है हमारे मन में अजीब सा शक पैदा हो बाहर बात सुन के। ऐसा लगा था कि बंदर सब कुछ जाने ला और जान बुझ के यहाँ आयल बा हमने के जख्म पर नमक छिड़के। आप बैठी बेटा, तब तक चाय आ जाई। ना ना आंटी जी, आप लोग बैठे, हम तेरे वॉशरूम यूज करके आ। हाँ, जी हम तोरा सामने, तू हमरा सामने,
तो के देखी तब प्यार करी, प्यार हो गईला हमके तोरा से प्रीता, पता ना कब और कैसे। पहले लागत रहे कि तू हमार रास्ता के दीवार हो, घर के चार दीवारी में बंद रखब तोरा के तो हमार रास्ता क्लियर हो जाए। कबो ना सोचले रहली, कबो ना सोचले रहली कि तो के पसंद करे लागब। उ कहना हमके इतना अच्छाई अच्छा ना लागेला, पर वो लोग कहेला ना अपोजिट्स अट्रैक्ट। एक बात कही, हमार पास सरलिन बेबी भी है और हम सरलिन बेबी से भी बहुत प्यार करीले। हमार सरलिन बेबी तेज दिखी तर्रार जंगली बिल्ली, बट यू नो व्हाट, तू सरलिन के बहुत टफ कंपटीशन दे ले हो। या फिर नो ये कही कि तू दोनों के मुकाबला बराबरी के रहल, फिर जीतल के तू या शर्लिन बेबी, टेल मी, बताओ 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 तू दोनों। वो कहा ना प्रीता, हम तोहार खातिर हमार शर्लिन बेबी के ना छोड़ सकीला, काहे कि हमार शर्लिन बेबी एकदम तेज शातिर, हर प्लान में मदद करेली हमार, और तू एकदम प्यार सन, स्वीट सन, घरेलू लड़की, संस्कारी, बड़ के इज्जत करे वाला, तोहके हम दासी बना के हमेशा रखब और तू खुश भी रहबू, है ना। तो यह तरह हमार लाइफ में दोनों फ्लेवर्स हो जाए, स्पाइसी शर्लिन एंड सुगरी प्रीता, सुगर एंड स्पाइस, मजा आए। सो प्रीता बताओ ना हमके, का तू हमरा लाइफ में मिठास भर देबू, हाँ बताओ ना हमार होए वाली बेबी, बताओ ना, बोलो ना प्रीता, भर देवो ना मिठास। गिरेश, भाभी और ऋषभ के बुलादा कहा हम बोले ले बानी, बैठी प्लीज। अरे करीना, घर के बाकी सब लोग कहाँ है? मॉम और भाई डॉक्टर के पास गेल बाड़े। ओ, मॉम खातिर नया डॉक्टर के अपॉइंट करे के बाना, ऋषभ भी जाहे चाहत रहल, बाकी हम ओकरा के रोक लेनी। हम कहनी डॉक्टर्स तो बहुत सारा मिल जाई है, फियांसी तो एके बाड़ी है ना। राइट। अरे पंडित जी आगे ले। नमस्ते, प्लीज बैठी। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। नमस्ते संजना, कैसन बाड़ू तू? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे नहीं राखी जी? बिल्कुल ठीक। हेलो आंटी, कैसन बाड़ू बेटा? हम अच्छा बानी, आप कैसन बानी? बिल्कुल ठीक। का बात बा राखी जी? मतलब हमके हमेशा आपके हसत मुस्कुरावत चेहरा देखे की आदत रह गेल रहे, आज आपके वो स्माइल कहाँ गायब हो गेल बा? सब ठीक बा ना? हमारे स्माइल की वो अपन साथ लेके चल गई, जकरा खातिर वो स्माइल रहे उहे ना बात आप। भाभी, संजना चाहली कि आज ही शादी और हल्दी के डेट फिक्स कर दी हल जाए, ऐसे पंडित जी के अपन साथ ले बड़ी। कैसन बाड़ा तू? कितना दिन हो गई आपसे मुलाकात ना भइल, हमार तो आंख तरस गेल रहे अपन होखे वाला दामाद के देखे खातिर। चला आज ये इच्छा पूरा हो गेल, आई एम सो हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। प्लीज बैठी। बैठा। भाभी, पंडित जी खातिर कुछ स्नैक्स के इंतजाम करी ना? ओ हाँ, ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, ये बात हमके पहले सोचे के चाहिए रहे ना, पता ना हमार दिमाग काम ना करेल बा, हम बस अभी आई नहीं। ऋषभ के कुंडली हम पहले से निकाल ले ली, इली आप कुंडली देखी और एगो अच्छा सा डेट फिक्स करी पंडित जी। करीना बुआ, इतना जल्दी कौन बात के बाद? आई मीन वी कैन टेक टाइम। बेटा, खुशी के ज्यादा देर तक इंतजार ना करवावे के चाहिए ना, बट करेक्ट
पता बा हम तक कब से वेट करत रहनी कि कब हम लोग मिलब, कब हल्दी और शादी के डेट फाइनल हुई। वैसे ही इतना लेट हो चुकल बा, एक्चुअली आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आज ही डेट फिक्स हो जाई। ठीक बा, हमनी लड़की वाला हई और जब तक बेटी के शादी संपन्न नहीं हो जाला तब तक माँ बाप के कहाँ चैन की नींद आवेला। पुआ कारण कितना कोशिश कर रहा तू कि हम ही घर से बाहर हो जाए, लेकिन हम तो ये घर में बानी और वो भी फुल रिस्पेक्ट और लाड प्यार के साथ, और वो तो हर मिडिल क्लास प्रीता वो घर से बाहर हो गई और वो हो डांट फटकार के साथ। तेरा खातिर यह अच्छा हुई कि तू भी हमरा ये घर के हिस्सा समझा और रिस्पेक्ट करा, वरना ये घर के होखे वाली बहू तोहर ऐसन हालत करी कि तू सोच भी ना सकेला। काबिल शालिन, अपन जीत से खुश बारू। हम ना चाहेंगे कि ये दोनों के पता चले कि प्रीता शालिन के खिलाफ करण के ब्रेन वॉश कर देले बाड़ी। खुश कहे ना हुई बेटा, अब इतना खुशी के बाद तबा अरे कितना प्यार कर ली ये ऋषभ से, जाने ला ऋषभ खातिर इस लैम्बोग बने ले बाड़ी जे में यापन और ऋषभ के मेमोरीज के कैद कर ले बाड़ी। Isn't that cute? एकरा कहल जाला true love. Right. आज हमके बहुते अच्छा लग रहल बा करीना कि हम सब परिवार के लोग यहाँ पर एक साथ बैठल हैं, वरना केहू ना केहू तो यहाँ पर हमेशा ही रहेला। अच्छा बाप, आज केहू यहाँ ना बा, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब केहू के बुरा नजर भी ना लगी। की कर बात करत हनी आप? अब एक्चुअली व्हाट? अरे ना, अब मॉम के ही बोले के मतलब बा कि हमनी दो फैमिली बाड़ी और अब दोनों बहुत ही जल्दी एक हो जाए। सो दैट्स व्हाट सी मीन। हम कैसन ला लगल, हम के लगल आंटी कुछ और कहे चाहत रही, कोनो और मतलब रहे इनके बात के। अरे जाए दना, ई का बात लेके बैठल बानी हमनी बुआ? राइट, एक्चुअली हम तो ई कहे के चाहत रहनी कि हम लोग अब सब परेशानी से फ्री हो चुकल हैं। आई मीन प्रीता एंड फैमिली ना उनका सब लेवे देवे के ना बा, ना उनकर कोनो टेंशन बा। अब हम लोग पूरा तरह से ऋषभ और शलिन के शादी पे फोकस कर सके नी, वरना अब तक था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाला ना, यू नो। कबो कुमकुम बाग हॉल जल गई, कबो सरला जेल चल गई, और हम सब ई खामो खा के तकलीफ में उलझल रही ना। तू ही बतावा पराया आग में कूद के केकर भला भइल बा। हाँ, रोज रोज के नया नाटक। हमरा एगो बहुत इम्पोर्टेंट काम बा ऋषभ। शालिन से इम्पोर्टेंट कौन सा काम हो सकेला? दीदी जाई थी ना, जैसे ही काम खत्म हो जाए लौट आई। जा बेटा। थैंक यू मॉम। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत जल्द शालिन हमनी के घर आवे वाला बाड़ी। बीजी काहे आप ऐसा बच्चन जैसा हरकत कर रहता नहीं? अगर मटर वाला चावल में आज हम किशमिश ना डालने तो खा ली ना। माँ चाय रेडी। अच्छा खा ले। ये देखिए एकरा आवेला चाय बनावे फिर भी नखरा करेगी। दादी हमके जॉब मिल गई बा। ओह माय गॉड दी, कितना अच्छा खबर बा बच्चा। पहला कोशिश में ही नौकरी मिल गई। ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुने ली तू। सल्ला एकर मुंह तो मीठा करावा। अरे एक मिनट, अच्छा कौन सा जॉब बतावा तो सही। एक मिनट बतावा थे ICB में। क्रिकेट बोर्ड बा इंडिया के। आई नो, अब हमके खुद ही समझ में ना आ रहल बा माँ हमके जॉब कैसे मिल गए इतना जल्दी, और वैसे भी बहुत ही प्राउड फील करे वाला बात बा, बहुत ही अच्छा पोजीशन बा। T20 मैचेस होखेला ना तो क्रिकेटर्स के ऑन ग्राउंड कबो कोनो चोट लग जाला तो ओकर ट्रीटमेंट करे खातिर। सच में हमरा तो नाज बा तहरा पे। हमरा की भी और हमके तो डबल नाज बा, दादी बानी आखिर। सब आप ही के वजह से बा। शालिन
शाबाश तरह केहू के भी नजर न लग जाए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी तो दे दो हमरा के भी बधाई देवे के बा। सॉरी कांग्रेचुलेशंस, मैंने कांग्रेचुलेशंस प्रीता जी न्यू जॉब खातिर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मतलब आप बहुत अच्छा कहली। लुथराज के पास वापस ना लौटे के जो फैसला है ना, बहुत सही फैसला, हमार फुल सपोर्ट है आपके प्रीता जी। जी आप कब आए? हम बस तनी देर पहले। आंटी जी एक बात कही, हम बहुत लकी है, हम अपना आपके बहुत किस्मत वाला मानते कि हमार शादी प्रीता जी जैसे लड़की से होने वाला है। हम पहले से ही जानत रहली कि प्रीता जी बहुत टैलेंटेड है। वो करण और वो ऋषभ, वो दोनों से तो कई ज्यादा काबिल और कई ज्यादा टैलेंटेड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रीता जी, और आई एम सो सॉरी, पता ना हम जोश जोश में काका बोल देली, जे मन में रहे वो बोल देली। खबर ही इतना बेहतरीन है कि हम एक्साइटेड हो गए एंड एक्साइटमेंट में ये सब निकल गए। प्रीता जी खुशी के मौका पर एक डेट तो बनेला। I mean, आज हम आपके पार्टी थे और ओकर दो वजह है। पहला वजह यह है कि आप लुथराज के जॉब छोड़ दिली, और दूसरा वजह यही कि ओकरा से कहीं ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट, कहीं ज्यादा जिम्मेदारी वाला जॉब मिलेला आपके। आंटी जी इजाजत है। थैंक यू पृथ्वी जी, लेकिन हम आज कहीं ना जा सके नहीं, कहे कि आज हमके कहीं और जाएगे बाप। ओ माँ, ओ ICB वालन के ना आज पार्टी बा रात के, और वो लोग हमके आज पार्टी अटेंड करे की ही पड़ी, कहे कि हम अभी ज्वाइन कर ले पानी ता जो हमारे सीनियर फिजियो है ना, उनकरा भी हमरा से मिले के बा और हमके और भी लोगों से मिलवावे के बा, ताकि एक साथ काम करे में आसानी हो जाए। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन करे खातिर, सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, ता हम जाए आज? अरे बिल्कुल जा, अगर तो हर काम खातिर जरूरी बता जा। एक मिनट मामा, एक मिनट आदि, हमरा के भी जाए के बा पार्टी में, हमरा के भी ले चला ना प्लीज। अभी तो ना जा सके लोग, हम बस खुद ही ऑफिशियल इनवाइट ना है, हम क्योंकि साथ जा रहे हैं हमारे सीनियर फिजियो के, ता फिर कब हो? अब लुथराज की अकल ठिकाना आई प्रीता जी, अब उनके समझ में आई, अब उनके आपके कदर हुई, अब उनके पता चली कि कौन इंसान के खोले बा। एक बात कहे प्रीता जी, वो लोग ना आपके लायक बिल्कुल ना, आपके लायक सिर्फ हम है। हमारा मतलब है, अब वो लोग के समझ में आए कि आप कितना अनमोल है प्रीता जी। हम ये बात दिल से कह रहे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, आपके कामयाबी में हमके आपन कामयाबी नजर आवेला। हम आज बहुत खुश है, बहुत 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 ज्यादा खुश है। थैंक यू। तब इजाजत चाहते अब हमके चले के चाहिए। एंड सिस्टर इन लॉ, हम दोबारा आपके डिस्टर्ब कर थे, हम यहाँ रिश्ता तोड़े ना जोड़े आयल रहली, जुड़ गए। फैंटास्टिक, अब सबके पास हमरा खातिर और हमरा पास सबके खातिर टाइम हुई। स्वीट लिटिल स्मार्ट फैमिली, लुथराज के दखल खत्म हो गए, उनकरा से प्रीता अब दूरे रही, खास के वो गिल्ली डंडा प्लेयर से। सुन मोनिश, काम हो जाएगा चाहिए। हाँ I mean, हमके कोनो ऐसा कंफर्मेशन चाहिए जैसे सब लोग यकीन कर ले, हाँ, और एकदम गारंटी से 100% कंफर्म, समझ ले? करण हम एगो डॉक्टर हैं, और हमरा से ज्यादा श्योर और के हो सकता है? अब ऐसा भी नहीं कि हम ये फील्ड में नया नया बनी, बहुत साल के एक्सपीरियंस बा, तू टेंशन मत ले। और एगो बात सुना, तू ना वो लड़की के कुछ भी करके हमारे क्लिनिक में लेके आवा, ठीक बा? ओकरा बाद में हम सब कुछ देख ले, भरोसा रखा हमरा पे। थैंक्स यार इतना सब करे खातिर, रही बात ओकरा क्लिनिक लावे के, तो हम ले आएगा, फिर तोर जजमेंट बा, जौन तू कुछ बोल दे वो ठीक बा, लेकिन जब हम आई तब तू क्लिनिक में रहिया, हम और क्यों से ना मिला के बा, समझ ले? अरे बोलनी ना, तू टेंशन मत ला, हम बानी ना सब हो जाई। और तू आ जा, ए बाने हम तारा से मिल भी ले। तारा लगे टाइम तब बाना दोस्तन से मिले खातिर, अब काम के बहाना ही सही, तारा से मिलता ले। तू ध्यान रखा बाबू, ठीक बा, रखा तारा, बाय। करण भाई कर रहा बड़े,
कॉफी मग में तेल काहे डाल रहल बाड़ी? हेलो या का भाई ऐसे मुंह लटका के काहे खड़ा बाड़ू? कुछ ना समी भाई, हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बानी। अच्छा, झली लोग भी कंफ्यूज होला? ये तो नया बात सुननी हम। का प्रॉब्लम बा आपके? हम कोनो झली नहीं की, ठीक बा, सेंसिबल लड़की बानी। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, एक्चुअली ना हम किचन में आत रहनी, हमरा के भूख लगत रहे, कुछ खाना खाए खातिर, और आई सॉ की करण भाई यहां खड़ा पड़े और कॉफी मग के अंदर का कॉफी डालत रहनी ना? ना, तेल डालत रहले तेल। एक मिनट, तहरा कहे के मतलब बा कि करण भाई आज कॉफी के जगह तेल पियत रहनी? का 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 बेकार के बात करता रहू, काहे हमार मूड खराब करता रहू सुबह सुबह? ओ माय गॉड भाई, हम सुन ले बानी कि जब कोनो इंसान डिप्रेस हो खेला ना, तो अक्सर ऐसा उठपटांग हरकत करेला। आई थिंक करण भाई के भी डिप्रेशन भइल बा, काहे कि घर में प्रीता के आवल बैंड हो गइल बा, ऐसे शायद कॉफी की जगह तेल पियत बाड़े। हो गइल तहर, हो गइल, कहे के पड़े कृतिका, तार दिमाग के और तार सोच के आईक्यू ना एकदम जीरो बा, ऐसे सच्चाई ले कब पहुँच ना पावेलू। मतलब का बाप क्या? हाँ, अरे कहे के मतलब ई बा कि भाई कोनो तेल ना पियत रहलन, उनकर दिमाग में ना कुछ और ही चलत रहे। अरे हमार भाई एक्शन हीरो है यार, एक्शन है उनका रिएक्शन है, आई एम टेलिंग यू। हाँ राइट, लेकिन एक बात बतावा कि ऐसा का एक्शन भइल कि का चलत है उनकर दिमाग में? उता पता लगावे से ही पता चली। नेकी और पूछ पूछ, चलो लेट्स गो। हे छुआ, इतना सबके सामने बैठल बड़ी, एकरा गिरा ही कैसे? ऐसे काहे घूमता हमारा आसपास? आई एम श्योर एकर दिमाग में कुछ चला था।